एक्टरों के लिए एक बहुत अच्छी पहल चालू हुई है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? 100 मिलियन पे 1 लाख रुपया, जो राइटरों को शिकायत रहती है मुझे पैसा नहीं मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि चलिए 1 लाख के लिए अच्छा कंटेंट मिलेगा और जी दर्शकों को हिट और सुपर हिट सॉन्ग सुनने को मिलेंगे। और ये तो अच्छी पहल है कि 100 मिलियन पे 1 लाख हमारे राइटरों को मिलेगा। और दूसरी चीज, हम एक ही चीज जानते हैं कि अगर गाना अच्छा होगा और सच्चे दिल से, और जो इनकी टीम है, चाहे एस पुरी हो चाहे हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी हो, अगर सच्चे मन से और अच्छे मन से पॉजिटिव एनर्जी लेके हम लोग कोई भी सॉन्ग बनाते हैं, अच्छा कंटेंट बनाते हैं, आजकल यूट्यूब का जमाना है, अगर हम अच्छा कंटेंट डाल दिए तो आज नहीं तो कल वो हिट होना ही है। तो जितने सारे हमारे राइटर भाई लोग हैं, सबसे निवेदन है कि अच्छे अच्छे गाने एस फॉर यू से जुड़े जितने लोग हैं उन लोग को दीजिए, 100 मिलियन कीजिए और 1 लाख रुपया कौन हम देंगे कि आप नहीं, कंपनी कंपनी दे। एक क्वेश्चन और, कल्लू जी को आज आपने केक काटा, कुछ गिफ्ट दिया है आपने? हर चीज का एक सीमा सीमा तय होता है। जैसे कि अब हम जब बोर्ड का क्लास, जब मैट्रिक की परीक्षा देते हैं तो उस समय मेरा एज 15 साल होता है, और जब वोट देने की बारी आती है तो 18 साल एज होता है। तो उसी तरह अभी तो हम 2 साल के हुए हैं, जिस दिन हम 10 साल के हो जाएंगे, जिस दिन हमारा 100 मिलन जाएगा, तो निश्चित तौर पर आपको बोलना नहीं पड़ेगा हमारे समाज में चौथा स्तंभ है। हम गिफ्ट बोलेंगे नहीं, हम गिफ्ट ले लेंगे, गिफ्ट ले लेंगे, बहुत सारा चीजें छोटा भाई है कभी भी निकाल सकते हैं, तो मैं रोकूंगा भी नहीं। वो हक है मेरा, वो हक है। देखिए बहुत कम ऐसे कलाकार होते हैं जो हक जमाते हैं, और मैंने हम लोग के बीच में। रचना जी कैसे हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, कैसा लगा आपको आज आगे? हाँ नमस्कार सभी को, मुझे बहुत अच्छा लगा, और खास करके सेलिब्रेशन हो रहा है, एक नहीं होता कि आप शूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, ये फल वाला दिन था, तो ये बहुत और ज्यादा खुशी की बात होती है। और एस फॉर यू कंपनी इतनी आगे जा रही है, बहुत कम टाइम में जितनी आगे जा रही है इस तरीके से, ये बहुत बड़ी बात है। टाइम के हिसाब से बहुत लोगों का टाइम टेकिंग होता है, कम टाइम में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपके गाना कब तक आएंगे इस चैनल पे? जल्दी ही आने वाला है, और जैसा कि सर ने बताया कि कुछ सरप्राइज है, तो गाने से भी बड़ी चीजें आने वाली है, तो थोड़ा सा अभी सीक्रेट है, अभी सरप्राइज है। अभी कल्लू जी के बारे में कुछ सीक्रेट है आपका? अरे बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा काम करते हैं, पब्लिक बहुत ज्यादा पसंद करती है, और हम लोग साथ में जल्दी दिखेंगे। अभी बहुत सारी चीजें हम ओपन नहीं कर सकते, बट कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो जल्दी। कल्लू जी पिछले दिनों आपके शादी के लिए भी काफी चर्चाएं हो रही थी, कहाँ तक बात आगे पहुंची है? अभी क्या बोलूँ, हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि मम्मी पापा जी शादी कराएंगे, लव मैरिज तो हम करेंगे नहीं, इसीलिए हम लव नहीं किए, इसीलिए हम जानते थे कि मम्मी पापा ही शादी करेंगे, इसीलिए अपने नाम के सामने अरविंद अकेला लगा दिए कि बार बार बोलना नहीं पड़े। लड़कियां पूछती है ना सिंगल हो या मिंगल हो, तो मैं बोलता हूँ कि गूगल पे सर्च कर लो तो अरविंद अकेला। कहने का मतलब शादी के बाद अब उसको दुकेला कर दीजिएगा? नहीं अब अकेला नहीं रह पाऊंगा, मतलब एक होता है ना शादी के बाद अकेला नहीं करेंगे, शादी के बाद वो जब साथ आ जाएगी तो अकेला, हाँ अकेला को सोचेंगे कुछ। एक अंतरा हो जाए जरा रेडिया के तेलवा का। हाँ एक चीज और बोलना चाहेंगे कि जितने भी हमारे दर्शक अभी तक नहीं सुने हैं रेडिया के तेलवा, तो वो सुनिएगा, और ये सॉन्ग, और आप सभी को और बताना चाहेंगे कि रेडिया के तेलवा एक ऐसा सॉन्ग है कि मतलब मेल से ज्यादा फीमेल इसको पसंद करते हैं। खास करके एक इंसिडेंट बताता हूँ, हमारे बाबू का बर्थडे था भैया के बेटे का, तो वहाँ पे गाने बजे थे, और जब ये गाने बजे तो जितनी भी हमारे घर की औरतें थी, महिलाएं थी, वो सब लोग भी इस गाने पे डांस करते, और सुबह सुबह बनारस में जितनी सारी हमारी कॉलोनी में आंटी जी हो चाहे भाभी जी हो, वो लोग बोले कि अरे भाई ये कौन सा गाना है, होता है ना, तो ये घर का गाना है। और हम कोशिश करें कि एस फॉर यू पे जितना माटी की चीज होला, पारंपरिक गीत होला, वगैरह के अच्छा तरीका से आप सबके बीच प्रस्तुत करी जाए गाना के भावी पर। उठ तो दराद हो खे बैठ तो दराद हो, बाणे नीरा दैया दैया हमारो मराद हो, मुचुकल बाटे कलैया राते नथुनियो टूटल बा, तए नन दोयानी दना हो, ए नन दोयानी दना रेणिया के तेला बा, कमरिया में दरदिया उठल बा। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू।